सोलन के डिग्री कॉलेज के समीप एक तेज रफ्तार कार अचानक पलट गई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कार चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। मिली जानकारी के अनुसार कार चालक बेहद रफ्तार में था, जब एक अन्य वाहन सामने से आया तो कार चालक घबराकर अपने कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अचानक कार को खाई की ओर मोड़ दिया। सड़क किनारे एक अन्य कार खड़ी थी, वह पहले उससे जा टकराया और कार वहीं पलट गई। अगर कार सड़क किनारे नहीं खड़ी होती तो कार खाई में गिर सकती थी। इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। अधिक जानकारी देते हुए वहां से गुजर रहे व्यक्ति ने बताया कि सड़क किनारे दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से सड़क बेहद तंग हो गई है। इस रोड पर अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए कि वह सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर उचित कार्यवाही करे। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तारी की वजह से चालक अपनी कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह अन्य वाहन से टकराकर सड़क पर पलट गया। उन्होंने बताया कि कार चालक पूर्ण रूप से सुरक्षित है। एक्सीडेंट अभी थोड़ी ही देर पहले हुआ है यहाँ पर। ये एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रही थी, सामने से एक और गाड़ी के आने से वो अपना बैलेंस कंट्रोल नहीं कर सका था, भी इसके बीच में हिट करके और वो गाड़ी पलट गई। पर लोग इसमें जो चला रहे थे वो सुरक्षित हैं सभी। पर इसका मेन कारण जो समझ में आ रहा है कि सड़क के दोनों साइड गाड़ियाँ लगी होने से अनऑथराइज जो पार्किंग है इस रोड पर, जो कि कोल्ले नाले से शुरू होकर शांति तक ये दोनों ही तरफ लोगों की गाड़ियाँ लगी रहने के कारण जो सड़क एक अच्छी खासी चौड़ी सड़क है, फिर भी वो एक गली की तरह लगती है यहाँ पर।